हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक मेडिकेटेड जेल के बारे में बात करने वाली हूँ। वो जेल पिंपल एक्ने को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं जो कि पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, पर सारे ही माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। पर आज जो जेल मैं शेयर करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनको मॉडरेट टू सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम हुआ है, जिनको भर भर के पिंपल हुए हैं, बहुत तो पुराने पुराने दाने हैं चेहरे पे, उनको ट्रीट करने के लिए ये जेल यूज़ की जाती है। वो है ये फेस क्लीन जेल, जो कि मिलकर बनी हुई है एडेप्लिन से और क्लिंडामाइसिन जेल से। इंडिविजुअली ये एडेप्लिन और क्लिंडामाइसिन पिंपल को ट्रीट करने का काम करता है, पर ये माइल्ड एक्ने पे काम करता है एडेप्लिन भी और क्लिंडामाइसिन भी। पर जब ये दोनों चीज़ें साथ में मिल जाते हैं तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपके मॉडरेट टू सीवियर एक्ने पे काम करता है। ये क्या करते हैं, ये आपके पुराने पिंपल को ड्राई करते हैं, नए पिंपल को आने नहीं देते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे कि पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है उनको किल करते हैं। ये स्किन पे ऑयल को कंट्रोल करते हैं जिससे कि पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी ट्रीट करते हैं। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ही आगे चल के पिंपल बन जाते हैं, तो ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी ट्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी स्किन जब आप इसको लगाओगे तो स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी, जो भी आपके पिंपल हैं उनके साइज रिड्यूस होने लगेगा और धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा आपका पिंपल। ये जो जेल है ये आपकी स्किन से ऑयल के प्रोडक्शन को कम करता है, जो भी क्लॉग पोर्स हैं उनको क्लीन करता है जिससे कि पिंपल आपको ना हो पाए। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सिस्ट हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े दाने हो जाते हैं जिनमें पस नहीं होती है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और दर्द होते हैं जो पिंपल में, वो वाले पिंपल को ये ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अगर आपको पस वाले पिंपल हुए हैं, मतलब पस्ट्यूल्स हुए हैं, नोड्यूल्स हुए हैं, तब आप बेंजोइक पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको सिस्ट हुए हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अब बात करते हैं क्या ये जेल डार्क स्पॉट्स एक्ने स्कार्स पे इफेक्टिव है या नहीं, दाग धब्बों को दूर करता है या नहीं। दाग धब्बे होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको जो भी पिंपल हुआ है ना, आप लोग उसको दबाते हो, उसको छेड़खानी करते हो, उसके साथ स्क्रैच करते हो फेस को बार बार, जिससे कि जो भी पिंपल होता है वो दाग बन जाता है। पिंपल तो ठीक हो जाएगा पर दाग छोड़ जाता है, और वो जो दाग होते हैं ना वो इतने ज़्यादा जिद्दी होते हैं कि 3-4 महीने ठीक होने में लग जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको बार बार हाथ नहीं लगाना है अपने फेस पे, और कई बार जो पस वाले पिंपल होते हैं उनको हम दबा दबा के ठीक करते हैं, ऐसा करने से भी दाग बन जाते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। तो जो भी पिंपल होता है, दाग धब्बे होने का कारण ये है कि आप लोग खुद दाग धब्बे बनाते हो। दाग धब्बे अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट लोगे ना, वो खुद ही आपके पिंपल को ड्राई कर देगा और दाग नहीं छोड़ेगा। आप इस जेल को लगाओगे ना तो ये आपके पिंपल को बिल्कुल ड्राई कर देगा, कोई भी दाग नहीं छोड़ेगा आपका पिंपल। तो दाग आप लोग खुद बनाते हो, दाग खुद से नहीं हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे पिंपल्स होते हैं जो दाग छोड़ते हैं। अगर पिंपल को ढंग से ट्रीट करोगे तो दाग नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही ये जेल काम करती है। अगर आप अपने पिंपल्स पे, अपने जो भी एक्ने हुए हैं उस पे ये जेल लगाते हो ना, कोई दाग धब्बा होने का सवाल ही नहीं उठेगा। 2-3 दिन में ये स्किन ड्राई होने लगेगी, हल्की हल्की पील होने लगेगी, कोई दाग धब्बा नहीं होगा, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी आपके रिमूव हो जाएंगे। एकदम से ये जेल काम नहीं करेगा कि आपको 5-6 दिन में ही पूरे रिजल्ट मिल जाएं, पर 3-4 दिन में ही आपको आपकी स्किन ड्राई होती नज़र आएगी, जो भी पिंपल है उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस होता दिखाई देने लगेगा। पूरे रिजल्ट मिलने में आपको 15-20 दिन लग सकते हैं, और कई लोगों की स्किन पे ये जेल जब आप यूज़ करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में पिंपल ज़्यादा बढ़ जाएँ और फिर धीरे धीरे ठीक हो। जो भी एक्ने ट्रीटमेंट होते हैं कई लोगों की स्किन पर, वो पहले जो भी दाने हैं उनको बढ़ा देते हैं, फिर धीरे धीरे ट्रीट करते हैं। तो कुछ लोगों की स्किन पे 15-20 दिन पे काम कर जाएगा, कुछ लोगों को 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। जब आप इसको यूज़ करोगे आपकी स्किन ड्राई होगी। इसको क्या कोई भी ट्रीटमेंट लोगे एक्ने का, वो स्किन को ड्राई करता ही है, इसीलिए आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है। मेरे चैनल पर आपको अच्छे मॉइस्चराइज़र्स भी मिल जाएंगे, उनके रिव्यू मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। दिन में सनस्क्रीन लगाना ही है, घर पे हो बाहर हो, सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। इस जेल को यूज़ कैसे करना है, तो आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद पूरा ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद आप अपने फेस पे इसकी पतली सी लेयर लगा लो।
आंखों के आसपास इसको नहीं लगाना है, नोज के आसपास नहीं लगाना है, लिप्स के आसपास नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ की स्किन सेंसिटिव होती है, पतली होती है। आप जब इसको लगाओगे तो हो सकता है आपकी स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगे, इसलिए आपको अपने चीक्स पे, फॉरहेड पे लगा सकते हो, पर ये नोज एरिया, अंडर आई एरिया, यहाँ पर इसको नहीं लगाना है। यहाँ पे आप कोई भी जेल क्रीम जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। इसकी पतली सी लेयर लगाना है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर पिंपल हुआ वहाँ पर आप एक बहुत मोटा मोटा लगा लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही कम साइज इसकी लगेगी जेल, ये जेल है और कोई भी कलर वगैरह कुछ भी इसमें यूज नहीं किया गया है। तो इस जेल को आप अच्छे से अपने फेस पे एक पतली लेयर अप्लाई कर लीजिए, ओवरनाइट इसको लगे रहने दीजिए और मॉर्निंग में आप वॉश कर लीजिए। मॉर्निंग में जब आप वॉश करते हो फिर आप कोई भी अच्छे सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छे सा सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन है उस पर आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप ड्राई स्किन है और अगर आपको पिंपल हुए हैं तब एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर इसके साथ यूज करो जो स्किन से मॉइस्चर को कम ना होने दे। सेंसिटिव स्किन है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करो, या फिर आपको कोई एलर्जी वगैरह हुई है या फिर कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है स्किन पे तब आप इस जेल को यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर इस जेल को यूज करना चाहें तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो फिर यूज करना। ये जो जेल है ये एडेपिन और क्लिंडामाइसिन से मिलकर बनी हुई है। अब आप इसमें कोई अलग से बेंजल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल वगैरह मिक्स करके लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने में ही सफिशियंट है। इसके साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना कि ये मिक्स करके लगा रहे हो वो मिक्स करके लगा रहे हो, कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। खाली एक क्रीम लगानी है और जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हो वो ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा केमिकल से भरी हुई ना हो। को ये फेस क्लीन जेल ना मिले तो मैं कुछ ऑप्शन दे देती हूँ जिनमें कि एडेप्टिन और क्लिंडामाइसिन जेल है और जो सेम काम करेगा, बस उसकी कंपनी का नाम अलग रहेगा। तो मैं आगे आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वो सारी चीज़ें भी परचेज कर सकते हो अपने पिंपल को ट्रीट करने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और अगर आप ये जेल पहले भी यूज़ कर चुके हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।